अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एयर टेक 97। मैं हूँ अब्दुल मजीद और आज हम ब्लॉगर में 29 बेस्ट टूल्स को लगाना सीखेंगे। आपको इसके साथ ही प्रीव्यू और कोड इजीली मिल जाएगा, आपको मेरी साइट्स कोडेड स्क्रिप्ट से इजीली। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा है इमेज विद कैप्शन एंड ऑटो लाइट बॉक्स, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज शो हो रहा है और उसके साथ ही यहाँ पे आपको कैप्शन भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कैप्शन बताता है कि ये इमेज किसके रिलेटेड है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो मैं आपको इजीली हर चीज़ करके दिखाऊंगा। मैं जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो कोड कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे मैं एक नई पोस्ट बना लेता हूँ और उसमें आपको हर चीज़ समझा देता हूँ कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट कर दिया। यहाँ पर शो हो रहा है इमेज टाइटल हेयर। यहाँ पे आपने इमेज का कोई भी जो टाइटल है जो आप यूज़ करना चाहें वो इमेज के अंदर शो नहीं होगा। अगर आप प्रीव्यू देखेंगे उसका तो नहीं शो होगा, ये जस्ट इमेज के बैकएंड पे है। और उसके साथ ही यहाँ पे SRC है, इसमें आपने इमेज जो भी आपकी इमेज होगी आपने उसका लिंक लगाना है। याद रखें कि इमेज का लिंक कैसे लगाना है, आपने सबसे पहले इमेज को आपने ब्लॉगर में, अपने ब्लॉगर में जो आपका ब्लॉग होगा उस टाइम जिसमें आप पोस्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपने पहले इमेज को अपलोड करना है। इमेज अपलोड करने के बाद जैसे इमेज अपलोड हो जाएगी तो आपने राइट क्लिक करना है और कॉपी इमेज लिंक का एक ऑप्शन शो होगा, ठीक है। वहाँ से आपने लिंक कॉपी करके यहाँ पे SRC में सिंगल जो कोमा आपको शो रहा है इसके अंदर यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्शन है, कैप्शन को देखा जाए जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर देखिए जो शो हो रही है कैप्शन, और यहाँ पर भी ईजिली इसी तरह शो होगी। यहाँ पे आपने जस्ट कैप्शन को इंटर कर देना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टूल इमेज विद कैप्शन एंड ऑटो लाइट बॉक्स। तो इसमें जो हमारा दूसरा फीचर है उसमें है इमेज विद ग्रिड लेआउट। इसमें मतलब यह है कि अगर हम डिफरेंट हमारी इमेजेस हैं, मतलब कि 4 इमेजेस हैं टोटल, तो अगर आप उसको इमेज विद ग्रिड लेआउट शो करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हैं। इसका कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, जस्ट आपने ये जो कोड है इसको आपने कॉपी कर लेना। यहीं पर मैं आपको कोड को समझा देता हूँ ईजिली। यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्ट, और आर्ट के अंदर जो भी इमेज का जो भी टाइटल आप इंटर करेंगे वो वहाँ इमेज पे शो नहीं होगा, बल्कि वो इमेज के बैकएंड पे है। जो यहाँ पे SRC दिख रहा है यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। इस तरह आपका जो कोड होगा वो इस तरह से आपको आउटपुट शो करेगा जो भी आपके इमेजेस वगैरह आपने उसमें ऐड किए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है जो इमेज विद शो ऑल फंक्शन है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे 3 इमेजेस शो हो, जो हमने अबव डिस्कस किया उस पर 4 इमेजेस आपकी शो हो रही थी ग्रिड लेआउट पे, और यहाँ पे भी वैसी शो हो रही हैं। लेकिन इसमें एक फंक्शन ये है कि अगर आपकी 4 से ज़्यादा इमेजेस वगैरह हैं तो आप उसको किस तरह शो करेंगे। 3 इमेज आपकी इस तरह शो होगी और 4 में यहाँ पर आपकी जो भी कलेक्शन होगी वो सारी यहाँ पर शो होगी। और इसका यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने सारी इमेजेस को शो कर दिया। इस तरह से ये है कि अगर आपने एक बार शो ऑल पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद ये दोबारा हिडन नहीं होंगी, मतलब कि जब आप इमेज को अपनी पोस्ट को रीलोड करेंगे तब ये शो ऑल दोबारा शो होगा, लेकिन अगर आपने एक बार कर दिया तो उसके बाद ये यहाँ पर शो नहीं होगा। इसके कोड को हम समझ लेते हैं ईजिली, यहीं पे समझ लेते हैं, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे आपको पोस्ट के अंदर मैं इसको यहाँ पे देखें। अगर तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप यहाँ से जहाँ से आप कोड कॉपी करके यहाँ पे इजीली जो चीज़ें हाईलाइटेड है आपने उन चीज़ों को देखना है गौर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आर्ट जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आपने करनी है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो 3 इमेजेज़ आपको टॉप पर शो हो रही थी, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो ऑल कर दी थी, यहाँ पे जस्ट 1, 2 और 3 शो हो रही थी और यहाँ पे शो ऑल का फंक्शन था, ठीक है। तो जस्ट जो 3 हमारी इमेजेस थी उसका यहाँ पे लिंक आपने लगाना है, ठीक है, SRC के अंदर। और यहाँ पे आपने जो इमेज है जो आपका मेन इमेज है, मतलब कि जो 4 के अंदर शो होगा जो भी शो होगा आप यहाँ पर कोई भी लगा दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर शो ऑल इमेजेस जो आप वहाँ पर इमेज के ऊपर शो करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या शो हो। और उसके बाद यहाँ पे जितनी इमेजेस के आप लिंक लगाना चाहें तो इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये सारी हिडन इमेजेस हैं जो शो ऑल के अंदर शो हो रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इमेज विद स्क्रॉल लेयर वो कैसे लगाएंगे, जस्ट अगर आप कोड की तरफ आ जाएं यहाँ पे
तो जो यहाँ पे ऑल्ट इमेजेस है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल उसी तरह आपने करना है, और यहाँ पे आपने इमेजेस के जस्ट यूआरएल्स को यहाँ पे लगाना है। तो इजीली यहाँ पे ये डायरेक्ट ये इस तरह का स्क्रॉल लेआउट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है उसमें लेजी लोड इमेज है, इसका ये मतलब है कि अगर आप इस इमेज को यूज़ करते हैं तो इससे आपकी जो पेज की स्पीड है वो इनहेंस होती है। मतलब कि अगर आप देखें यहाँ पे अ हेल्पफुल टेक्निक टू इम्प्रूव द पेज स्पीड स्कोर ऑफ योर ब्लॉग, इससे आपकी जो पेज की स्पीड है वो इनक्रीज होती है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज लेजी लोड यूटिलाइज फॉर ऑल इमेजेस इन दिस आर्टिकल, मतलब कि हर चीज़ को यूटिलाइज करता है, तमाम इमेजेस वगैरह को जो आपके ब्लॉग के अंदर है, ठीक है। जस्ट इसको भी लगाने का वही सेम मेथड है। कैसे लगाएंगे, जस्ट यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ऑल्ट नज़र आए इमेज के अंदर, जस्ट वहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना है, जो कैप्शन आप लिखते हैं जैसे कि ये इमेज किसके रिलेटेड है, जो भी लिखना चाहें आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और SRC के अंदर हमेशा आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे उस इमेज का URL लगाना है। और मैं अगर आपको इस URL की समझ नहीं है तो मैं जस्ट आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कुछ इमेजेस, उनमें से कोई एक पिक्चर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसा कि यही वाली मैं इमेज एक ले लेता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे कोई भी अगर आप रखना चाहें मीडियम लार्ज जो साइज़ रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लार्ज रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तो डायरेक्ट उसके लिंक शो हो रहे हैं। अगर आप प्रीव्यू में चले जाएं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इमेज शो हो रही होगी, ठीक है। ये हम एक इमेज अपलोड कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जस्ट आपने इस पर कॉपी कर लेना है इसको, और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें लास्ट में PNG शो हो रहा है, मतलब कि एक्सटेंशन आपकी लाजमी शो होनी चाहिए। तो इस तरह आपने इमेजेस वगैरह को यूज़ करना है। एनुअल रिलेटेड पोस्ट का अगर हम चले जाएँ तो यहाँ पे ये देखें, जैसे कि मैं अपनी पोस्ट के अंदर इंटरनल लिंकिंग करता हूँ तो मैं यही मैनुअल रिलेटेड पोस्ट को करता हूँ। जब यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ इस कोड के बारे में। मैं यहाँ पे जस्ट पहले वाले को रिमूव, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो आपको हैश नज़र आ रहा है, हैश में जस्ट आपने लिंक को लगाना है, ठीक है। अगर आपका कोई भी पोस्ट का लिंक है जस्ट यहाँ पे आपने लिंक को लगाना है, और यहाँ पे आपने उस पोस्ट का टाइटल अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोडेड स्क्रिप्ट एक लिख देता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा और मैं आपको प्रीव्यू इसका दिखा देता हूँ कि किस तरह से शो होगी ये। इस तरह आपने अपने इमेज का URL और उसके साथ यहाँ पे टाइटल आपने लिखना है। तो यहाँ पे लोड हो जाए और आपको मैं दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए लोड हो चुका है, और यहाँ पे कोडेड स्क्रिप्ट जो मैंने लिखा है टाइटल वो यहाँ पे, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं शो होगा क्योंकि मैंने हैश में कुछ भी URL नहीं यूज़ किया। ऑटो रिलेटेड पोस्ट, ऑटो रिलेटेड पोस्ट है कि आपके ब्लॉग पे कहीं पे भी कोई भी चीज़ को ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, मतलब कि आपकी जो रिलेटेड पोस्ट होंगी उसको फैच कर लेगा। फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करने का कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, जस्ट आपने कोड को कॉपी करना और कहीं पे भी जहाँ पे आप ब्लॉग में लगाना चाहें तो इजीली लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट इसको लगा दिया, ये ऑटोमेटिक हर चीज़ को फैच करेगा। तो अगर मैं इसका प्रीव्यू करूँ तो देखते हैं कि ये हमें शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे इसने रिलेटेड पोस्ट का है, आप देखते हैं कि इसमें कुछ शो कर रहा नहीं, इसमें कुछ शो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपकी रिलेटेड पोस्ट होंगी देन ये आपको ज़रूर इस बारे में शो करेगा। रिलेटेड पोस्ट से ये मतलब है कि अगर आपकी एक कैटेगरी के अंदर पोस्ट है, जैसे कि अगर ब्लॉग है, ब्लॉग में आपने लेबल लगाया हुआ है कि ये सारी पोस्टें ब्लॉग में शो हों, तो वो ब्लॉग के अगर रिलेटेड होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होंगे। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज़ नहीं करता ऑटो रिलेटेड पोस्ट, बल्कि मैं यूज़ करता हूँ जो मैनुअल रिलेटेड पोस्ट है वो वाला यूज़ करता हूँ। और ब्रेक्स, ब्रेक्स आपके ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हमने अगर अपने ब्लॉग के अंदर पोस्ट के अंदर कहीं पे अगर कुछ स्पेसिंग वगैरह देनी है, जैसे कि हम डायरेक्ट स्पेस दे देते हैं खाली जगह हो जाती है, लेकिन स्पेसिंग वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसके लिए आपको चाहिए कि वहाँ पे आप ब्रेक लगाएं। ब्रेक लगाने के लिए जस्ट क्या है, आप ये वाला जो टैग है HR वाला यूज़ करेंगे तो जस्ट ये आपके ब्लॉग के कहीं पर भी जहाँ पर आप लगाएंगे वहाँ पर 3 जो डॉट हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, इससे आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। मैं भी ये पर्सनली यूज़ करता हूँ, आपको भी ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पैराग्राफ विद
टेक्स्ट इंटेंट, ये जो पैराग्राफ है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इतनी जगह जो ये छोड़ के यहाँ पे जो स्पेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कॉलेज की बात करें या स्कूल की बात करें, अगर हम कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हम फर्स्ट में थोड़ा सा हम पार्ट को स्किप कर देते हैं, थोड़ी सी हम जगह को छोड़ देते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो पैराग्राफ विद इंटेंट अगर आपने स्टार्ट करना है तो ईजिली या फिर आप इस कोड को यूज़ करेंगे, जस्ट आपने अपना जो पैराग्राफ आपने यूज़ करना है, जस्ट आपने उसको कॉपी करके इस पैराग्राफ जो यहाँ पे हाईलाइटेड है ना, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। किसी भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, तो डायरेक्ट ये आपका हर चीज़ को शो कर देगा। पैराग्राफ विद ड्रॉप कैप, इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा करेक्टर है वो कैपिटल है। अगर आपने इस तरह का शो करना है कि हमारा जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो, तो इस तरह से आपने जस्ट क्या करना है, ये वाला कोड है, अपने इस कोड को कॉपी कर लेना। और अगर मैं आपको पोस्ट के अंदर लेके चलूं तो यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हर चीज़। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक्स लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स लिखने, ये ऐसे ही रहे, आवर पैराग्राफ इज हेयर, हम इसका प्रीव्यू देख लें, तो हमारा जो एक्स होगा वो कैपिटल शो होगा, बाकी हमारा सारा जो है वो स्मॉल शो होंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा प्रीव्यू आने वाला है, यहाँ पे देखें एक्स शो रहा है, वहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ दो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्मॉल है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं पैराग्राफ विद ड्रॉप कैप। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो ब्लॉक कोड है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर किसी का कोई हवाला है, किसी का कॉल है, अगर हम अपने ऐसे वगैरह में भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर आप यूज़ करना चाहें तो ईजीली कर सकते हैं। कैसे, ये कोड है, तो अगर मैं इसको अपने पेज के अंदर लेके चलूं और इसका प्रीव्यू हम देखेंगे, और यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक कोड का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसके अंदर आपने जो कुछ लिखना है वो सारा ब्लॉक कोड में जाके शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला है, इसके साथ ही यहाँ पे आपका नेम भी शो, जो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये अल्लामा इकबाल का कॉल है या फिर कायद आजम का कॉल है, अगर आप उसको शो करना चाहते हैं तो ईजिली भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर स्टाइल, अनदर स्टाइल में ये चीज़ें भी हैं, यहाँ पे आपका कुछ कॉल शो हो सकता है, और यहाँ पे उसके साथ ही यहाँ पे अगर आपके बुलेट्स पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर वो शो हो जाएंगे। और यहाँ पे है सोशल ब्लॉक कोड्स, मतलब कि आप चाहते हैं कि हमारा एक ब्लॉक कोड शो भी हो और उसके साथ ही, जैसे कि मैंने ऊपर बात की है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी आपका ब्लॉक कोड ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस कोड को आपको ईजिली यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद समझा देता हूँ आपको कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्मेट इसकी चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आथर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप नीचे अपना नाम शो करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे डेटा आथर में, और यहाँ पर जो आप कोट लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिखेंगे ईजीली, और आप इसको सबमिट कर देंगे तो ईज़िली यहाँ पर ईज़िली शो हो जाएगा, ठीक है। नोट ब्लॉक है, तो यहाँ पे देखें ये जो लाइन है, ये तो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पे शो होगा। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं तो इजीली आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, नोट ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और अगर आप कोई वार्निंग देना चाहते हैं कलर के साथ, मतलब कि उसमें रेड कलर इसलिए होता है कि वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है, वार्निंग होती है, अगर इस तरह से आप शो करना चाहते हैं तो ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नोट डब्ल्यू आर का मतलब है कि ये वार्निंग है, ठीक है। टेबल यहाँ पे आपको इजीली शो हो रहा है, टेबल को आपने कैसे हैंडल करना है, तो जस्ट ये चीज़ें हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें। ये जो हमारी फर्स्ट है, ये हमारी हेडिंग्स हैं जो हमारी जो टॉप पे शो होती हैं, जैसा कि हम यूज़ करते हैं सीरियल नेम, नेम, फादर नेम, मार्क्स वगैरह जो शीट होती है हमारी वो। और यहाँ पर टॉप पर देखें तो हमारी यहाँ पर टी आर के अंदर, ठीक है, हमारी जो हेडिंग्स होंगी वो सारी शो होंगे। उसके अंदर अगर हम टी आर जो बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ये तो हमारा थ्रेड है ना, मतलब कि जो हमारा टाइटल हेड है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और उसके साथ ही हमारे अगर देखें तो हमारा टेबल जो बॉडी है वो यहाँ पे, उसके अंदर हम बॉडी के अंदर हम जो चीज़ें ऐड करना चाहें, मतलब कि अगर नेम के अंदर हम यहाँ पे टाइगर नेक्सन जैसे कि ऐड किया हुआ है, और पोजिशन के अंदर ये वाला, सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह टेबल में ऐड कर सकते हैं इजीली। हमारी जो फर्स्ट यहाँ पर होगी वो सारी एक ही बार लिखेंगे हम वो सारी चीज़ें,
हेडिंग्स होंगी जो हमारी, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी आप टेबल के अंदर कोई चीजें ऐड करना चाहें तो इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट, ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम ये हमारा जो हाफ जो कोर्स है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और बाकी जो हमारा हाफ कोड है वो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट टू आने वाला उसमें सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं कि हम मैनुअल टेबल टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।